dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't. Hi everyone, good morning and welcome to my channel. So aaj hai थर्सडे है एंड आई एम जस्ट डूइंग नॉर्मल व्लॉगिंग एंड आज मैं कर रही हूँ व्लॉग. सो यस, स्टार्ट करते हैं आज का दिन. अभी जस्ट सुबह हुई है और 9 बज चुके हैं, तो अभी थोड़ा कुकिंग वुकिंग स्टार्ट करते हैं. आज थोड़ा वेदर ऐसा हो रहा है, ऐसे क्लाउडी क्लाउडी सा, मे बी कहीं बारिश वगैरह हो रही हो. जब भी ये क्लाउड्स होते हैं ना, तो और ज़्यादा ह्यूमिडिटी जो होती है वो यहाँ पर तो बढ़ जाती है, मतलब गर्मी और ज़्यादा होती है. तो यस, अभी वर्क स्टार्ट करते हैं, काम स्टार्ट करते हैं. आज मुझे ये जो बैल्कनी के प्लांट्स हैं ये भी थोड़े से रीअरेंज करने हैं, और इनमें मैंने बहुत टाइम से फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है, तो मतलब करा ही नहीं है. जब से हम आए हैं तब से फर्टिलाइज़र ऐड ही नहीं है, तो मेरे पास पैकेट तो रखा है काफ़ी दिन का, तो मैं अभी उनमें फर्टिलाइज़र ऐड करूँगी. तो आज मैं आपको अपने जो प्लांट्स हैं उनका थोड़ा सा एक टूर दे दूँगी कि कौन कौन से प्लांट्स हैं. काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि आपके जो बैल्कनी के प्लांट्स हैं उनका नाम बताइए, ये बताइए, वो बताइए, तो वो मैं आज आपको बता दूँगी. वो अपन दिन में करेंगे जब थोड़ा यहाँ से सन जो है वो निकल जाएगा, सनलाइट यहाँ से चली जाएगी, मतलब बैल्कनी से 1-2 बजे के बाद यहाँ पर धूप नहीं रहती है. तो यस, लेट्स स्टार्ट द डे. तो ये बना रहे हैं गोभी. गोभी पूरी तरह से बॉईल हो चुकी है, पानी में बॉईल करते हैं. ये टमाटो जो आलू है वो कट करके रखे हुए हैं, एंड साथ ही साथ ये अनियन है जो कट करके रखे हैं. Why you wanna let me go? Not now. Are you saying that to change your mind? For love or pity, let me know. Not now. Cause your love made me go blind. What am I hearing? आई जस्ट टुक शार एंड अभी मैं जाती हूँ. अभी कुछ चीज़ें आई हैं मेरे पास बहुत, एंड साथ ही साथ अभी हम लोग गार्डन वाला भी काम करेंगे. बट पहले अभी 2 बजे से मेरी ट्रेनिंग होने वाली है, तो एक ब्रांड है जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मतलब मैं बता नहीं सकती कि जब मेरे पास उनको मेल आया तो मेरे को लगा ये फेक मेल तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ना बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम पे बहुत फेक मेल्स आ रहे हैं, बहुत फेक मेल्स आते हैं आजकल. उसके बाद फाइनली मुझे पता चला कि नहीं, वो फेक नहीं है, एंड दे वर इंटरेस्टेड टू कोलैबोरेट विथ मी. तो जो प्रोडक्ट है वो आने वाला है, बट उससे पहले आज वो लोग जो ब्रीफिंग होती है ना वो प्रॉपर वीडियो कॉल पर ऐसे मीटिंग में, मीटिंग फॉर्म में होगा. ये तो मतलब मैं पहली बार ही देख रही हूँ कि कोई ब्रांड ऐसे मीटिंग फॉर्म में ब्रीफिंग वीफिंग देंगे. तो वो मीटिंग है 2 बजे से, तो वो अभी कनेक्ट करूंगी मैं 2 बजे. बट अभी तब तक मेरे को थोड़ा सा 1-2 और काम करना है, व्लॉग एडिट करना है. मतलब कल एक दूसरा व्लॉग जाएगा, आज मैं शूट कर रही हूँ, कल एक मेरा व्लॉग अपडेट होगा तो वो डाल दूंगी मैं. सो यस, काम करने बैठती हूँ, उसके बाद थोड़ी देर आप लोगों से मिलती हूँ. जस्ट स्टार्टेड विद अ कॉल एंड अब मिलती हूँ थोड़ी देर में. ओके गाइस, मैं एकदम फ्री हो चुकी हूँ अपना एडिटिंग और ये सारे काम से, तो अब हम चलते हैं. जो मुझे प्लांट्स वाला काम करना था ना वो करती हूँ मैं, और जो भी मेरा ब्रांड ब्रांड का काम था सब कुछ से मैं फ्री हो चुकी हूँ. तो अब हम चलते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं, रीअरेंज करते हैं जो हमारे बैल्कनी में प्लांट्स वगैरह लगे हुए हैं. तो अभी मैं आपको अपनी जो बैल्कनी है ना वो दिखाती हूँ. तो मैंने यहाँ पर नीचे सारे ऐसे पेपर्स बिछा दिए हैं, सो दैट मेरी बैल्कनी गंदी ना हो. 2 यहाँ पर डेली क्लीनिंग होती है, पोछा लगता है, झाड़ू लगती है, बट फिर भी ये बिछा दिया है. एंड अभी ये देखिए, जैसे कि ये यहाँ पर आप देखेंगे अगर, तो ये नीचे बहुत ऐसे क्लटर्ड सा लग रहा है मुझे, तो मुझे ये थोड़ा एरिया जो है ये सॉर्ट आउट करना है, थोड़ा रीअरेंज करना है, थोड़ी सेटिंग्स चेंज करनी है. एंड दीज 2 आर द न्यू प्लांटर्स, हमारे यहीं नीचे ही पौधे वाले भैया हैं, तो उनको मैंने फ़ोन कर दिया था, तो वो मुझे ये दोनों दे करके गए हैं, तो इनको भी रीपॉटिंग करना है. उसके बाद ये जो तुलसी जी है ना,
इनका ये प्लांटर, ये देखिए जड़ जो है वो उनकी नीचे आ गई है, तो इनको भी मैं सोच रही हूँ रिपॉट करने के लिए, तो इनको भी मैं रिपॉट कर दूंगी। सो यस, ऐसे कुछ कुछ बेसिक बेसिक से चीज़ें करनी है। पर ना नीचे थोड़ी सी वो रखी हुई है, कोकोपीट रखी हुई है, तो वो जो कोकोपीट है उसको मैं सोच रही हूँ इन डब्बों में खाली कर लेती हूँ, तो ये लुढ़कते हैं हवा चलती है तो वो भी होंगे फिर। अभी मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये जो ऊपर मैंने लैंटर्न टाइप लगा करके रखे थे, जो कैंडल होल्डर्स लगाए थे, हैंग करे थे, उन सबको मैं निकाल रही हूँ यहाँ से। तो ये मैंने फर्स्ट निकाल दिया है, और ये जो मनी प्लांट जो सबसे नीचे लगा था ना, अब ये काफ़ी बुशी सा होता जा रहा है, मैं कटिंग करती रहती हूँ टाइम टू टाइम उसकी, तो इसको मैं सबसे ऊपर टॉप पे लगाने वाली हूँ। तो मैं देख रही हूँ कोई येलो लीव्स तो नहीं है इसके अंदर, तो कोई भी येलो लीव्स नहीं है, हेल्दी एंड सॉर्टेड, तो इसको मैं सबसे ऊपर टॉप पर लगा रही हूँ। एंड इस तरह से थोड़ी सी जो सेटिंग्स है वो चेंज करके देख रही हूँ, कलर कॉम्बिनेशन कौन सा कहाँ कैसा लगेगा, चेंज अच्छा लगता है ना, भले आप आपकी जो पास जो चीज़ें अवेलेबल है उन्हीं के साथ ही चेंज करते रहिए, बट चेंज करते रहना अच्छा लगता है, नया नया लगता है, और प्लांट्स को भी अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है और प्लांट्स को भी अच्छा लगता है आई एम श्योर। तो कटिंग वगैरह करते रहना चाहिए अगर आपके प्लांट्स, आप चाहते हो कि आपके प्लांट्स थोड़े हेल्दी रहें। और ये जो नीचे भी लैंटर्न्स लगे हुए हैं, कैंडल लैंटर्न्स, इनको भी मैं निकाल रही हूँ। इट्स डन कम्प्लीटली, आपको ये खड़ा पटर की आवाज़ आ रही होगी। काफ़ी कुछ मैंने रीअरेंज कर दिया है एंड बहुत सारा कचरा भी निकाला है, तो मैं फटाफट से पहले ये सब रख के आती हूँ, हैंड वॉश करती हूँ एंड देन फिर आपको पूरा शॉट्स बताती हूँ एंड प्लांट्स बताती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कहाँ पर रख दिया। एक्चुअली ये बैल्कनी बहुत छोटी सी है, सो आई डोंट हैव अ स्पेस कि मैं कैमरा रख के खुद काम कर सकूँ, या तो मैं काम कर सकती हूँ या यहाँ पर कैमरा रख सकती हूँ, दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पाती है। एंड या तो फिर कोई और हो कैमरामैन टाइप का इंसान जो अच्छे से अलग अलग एंगल से शूट करे, तो वो तो मेरे पास है नहीं। सो मैं थोड़ा हाफ गई हूँ क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है, तो मैं थोड़ा सा दो मिनट वाला जो फ्रेशन अप लेते हैं ना, हाथ वाथ धोती हूँ, पानी वानी पीती हूँ, और फिर आपको शॉट्स बताती हूँ कि मैंने कहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगाई हैं। ओके गाइस, सो अब स्टार्ट करते हैं टूर से। आप देखो वो पूरा स्वेटिंग हो रहा है, तो ये मैं समझना कि मेरा स्किन ग्लो कर रहा है, इट्स स्वेट ऑन माई फेस। यहाँ पर आपको पता होगा कि मैंने वो जो प्लांटर स्टैंड है तीन वाला, वो यहाँ पर रख के रखा था, उसको मैंने हटा दिया यहाँ से, क्योंकि उसके नीचे ना काफ़ी गंदगी हो गई थी। तो ये देखिए, ये मिट्टी के निशान हो गए ना, तो कल अब जब मेरे यहाँ जो आती है हेल्पर आना स्टार्ट हो गई है, उससे मैं प्रॉपर यहाँ पे धुलवाऊंगी अच्छे से। बाकी ये सब एकदम क्लीन है, बट क्योंकि ये रखा रहता था तो यहाँ क्लीन नहीं हो पाया, ठीक है, तो मैंने ये सब हटा दिया यहाँ से। तो सबसे पहले हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक प्लांटर ऐड कर दिया है, ये मैंने अभी नया लगाया है, इसके अंदर एक और छोटा प्लांटर है, और यहाँ पर सब मनी प्लांट्स लगा दिए हैं। तो क्या होता है ना, नीचे यहाँ पानी नहीं गिरता है, इसके अंदर ड्रेनेज है, तो वो जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इसके अंदर पानी आ जाता है, तो यहाँ नीचे बहुत पानी नहीं आता है। सेम विद दिस सिस्टम, दिस एज वेल, कि नीचे ना इसके अंदर ड्रेनेज नहीं है, तो ये देखिए पानी दिख रहा है ना आपको, तो इसके अंदर पानी रहता है आराम से। तो इससे क्या होता है, इससे होता क्या है, बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं होती यहाँ पर। फिर ये मनी प्लांट है, एंड अब हम ऊपर आते हैं, ये भी मनी प्लांट है, ये भी मनी प्लांट है। यहाँ ऊपर आते हैं तो ये जो वो फ्लावरिंग वाले प्लांट्स नहीं होते हैं, जिनको सदाबहार कहते हैं, इनको सदाबहार बोलते हैं, ये वो है एंड बहुत ही सुंदर लग रहे हैं ये। उसके बाद अगेन दिस इज़ अ मनी प्लांट। तो इसकी जो हुक है ना, वो मैंने किस में लगा करके रखी है, ये वाली जो आप नेट देख रहे हैं ना, ये हुक्स जो है वो ये देखिए इस नेट में कनेक्टेड है, क्योंकि ये ना काफ़ी थिक है, तो हर तरह का हुक इसमें नहीं फिट हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर ये इसमें ऐड कर दिया है।
तो ये जितने भी हैंगिंग वाले प्लांटर्स है वो सब इस नेट से हुक्ड हैं। तो ये अगेन मनी प्लांट है, फिर ये हमारा जीजी प्लांट है जिसको पानी हम बहुत कम डालते हैं, और ये मैंने ना मेरा जो पुराना जीजी प्लांट था उसमें से कट करके मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। देन ये है पाम ट्री, बट ये चाइनीज पाम इसको कहते हैं, पर ये बटन फ्लावर्स हैं, इनको बटन फ्लावर्स बोला जाता है एंड वेरी ब्यूटिफुल। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं एंड ये भी 12 मंथ्स आते हैं, मतलब ऐसा ये कि सिर्फ विंटर्स में आते हो, ये सिर्फ 12 मंथ्स आते हैं। नाउ कमिंग टू ऊपर वाले सेक्शन में, तो ये जो मनी प्लांट है ये पहले नीचे लगा हुआ था, उसको मैंने लगा दिया ऊपर जिस हुक से हमारा ये स्टैंड हैंग्ड है ना, मैंने वहाँ पर इसको लगा दिया है, काफ़ी घना हो गया ये। उसके बाद ये जो है इसका बोलते हैं ऑफिस टाइम, तो धूप बहुत तेज हो रही है ना तो थोड़ी थोड़ी सी इसकी जो पत्ती है वो डेड हो जाती हैं, बट ठीक है ये अच्छा चल रहा है टचवुड। तो मैं कमिंग वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी कि क्या सीक्रेट है कि मेरे जो प्लांट्स हैं वो इतने ग्रीन रहते हैं और अच्छे ग्रो होते हैं। काफ़ी सारे लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछते हैं कि आप क्या डालते हो, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ कमिंग वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। लगे हुए थे वो मैंने यहाँ पर ऐसे हैंग कर दिया है, ये एक छोटा सा मनी प्लांट मैंने अभी जस्ट लगाया है, देखते हैं कैसा वो होगा। और उसके बाद आते हैं यहाँ पर, तो दिस इज़ ये मैं घर से लगवा करके लेकर के आई थी, इसको बोलते हैं अपराजिता, ठीक है। इसमें ये बेल चलती है तो ये भी अच्छी काफ़ी घनी हो गई है, बट प्रॉब्लम इज़ कि इसमें फूल नहीं आते हैं, इसमें इस तरह के ये इसके जो बीज हैं ये आते हैं बट फूल नहीं आते हैं अभी तक, तो मेरे पास ज़्यादा फूल नहीं आए हैं। फिर उसके बाद ये अगेन वही फ्लावरिंग प्लांट है जो सदाबहार जिसको बोलते हैं, बारहमासी सदाबहार। देन अगेन दिस इज़ सदाबहार बारहमासी एंड दिस इज़ अगेन सदाबहार बारहमासी। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं ना ये सब, क्योंकि यहाँ धूप बहुत तेज़ आती है ना तो ये सब सर्वाइव कर जाएंगे। फिर उसके बाद ये रेड वाले सदाबहार हैं, अगेन दिस लुक्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। फिर ये तुलसी जी के जो प्लांटर्स हैं ये मैंने चेंज करे हैं, ये दोनों तुलसी जी लगे हुए हैं, दोनों को मैं पास ही लगाती हूँ ताकि उनको अकेलापन फील ना हो, और साथ में लगती है ना तो वो अच्छे से ग्रो करती हैं। फिर उसके बाद ये अगेन एक इंडोर प्लांट है। बाद आते हैं इस वाले सेक्शन में, तो ये अगेन हमारा मनी प्लांट है, ये तो सारे मनी प्लांट लगे हुए हैं। आते हैं नीचे, तो यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में ये रात रानी है, ये थोड़ी सी सैड हो रखी है, तो आज मैंने इनमें वो डाला हुआ है, काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र डाला है, तो होपफुली ये अच्छी हो जाएंगी। ये एक्चुअली ना विंटर का प्लांट है, तो आई डोंट नो ये सर्वाइव कर पाएगा या मैं इनको करवा पाऊँगी कि नहीं। उसके बाद ये भी एक फ्लावरिंग प्लांट है एंड दिस इज़ अगेन फ्लावरिंग प्लांट, इसकी देखिए ये आना भी स्टार्ट हो गई है, तो ये है फ्लावरिंग प्लांट। एंड कमिंग टू दिस साइड, ये हमारा पुराना वाला जो सदाबहार है वो है, तो ये काफ़ी बड़ा हो गया था तो इनका भी मैंने प्लांटर जो है वो चेंज कर दिया है। तो ये वाला जो सेक्शन है ये कुछ इस तरह से दिखता है। ये वाला नहीं तो बहुत खाली खाली लगता था, यहाँ पर ज़्यादा प्लांट्स नहीं थे, बट अब मैंने इधर पे भी थोड़े प्लांट्स ऐड कर दिए हैं एंड ये बहुत क्लटर्ड लग रहा था तो मैंने हाफ हाफ कर दिया है, ये अब ऐसे ज़्यादा बेटर लग रहा है एंड ये अब ऐसे ज़्यादा। तो विक्की ने उसके लिए कुछ पार्सल मंगवाया है तो वही अभी मैं ओपन करके देख रही हूँ। एक्चुअली उसने स्टेनलेस स्टील का कुकर मंगवाया है उसकी कुकिंग के लिए, बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन और मैं उसको अलाउ नहीं करती हूँ मेरे जो यूटेंसिल्स है उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ कुक करने के लिए, तो अलग से एक बर्तन आया है हमारे पास एंड कुछ बर्तन जो है वो मैं अलग निकाल दूंगी एंड इसकी जगह भी बिल्कुल अलग रहेगी, तो देखते हैं कैसा है। ओके, तो आपको फ़ैन की आवाज़ आएगी भर भर, बट प्लीज़ थोड़ा सा बेयर कर लेना क्योंकि फ़ैन चल रहा है, बिना फ़ैन के मैं बैठ नहीं सकती हूँ। तो एक तो हम लोगों ने ये कुकर लिया है, तो जो हमारे पास सारे प्रेस्टीज के ही हैं, जो भी स्टेनलेस स्टील कुकर है ना वो सब प्रेस्टीज, बड़ा वाला जो कुकर है 3 लीटर वाला वो हमारा प्रेस्टीज ही है। हाँ, तो हम लोगों ने ये लिया है 4 लीटर्स एंड अल्फ़ा, वही प्रेस्टीज डिलक्स अल्फ़ा जो है, तो ये है प्रेस्टीज डिलक्स अल्फा एंड आई थिंक 2800 या 2700 कुछ का आया है 4 लीटर्स एंड काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, तो ये आ गया और काफ़ी थिक, इसका बेस बहुत अच्छा, बहुत थिक है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, तो हाईली रिकमेंडेड, क्योंकि एक प्रेस्टीज मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ जिसको यूज़ कर रहे हुए मुझे ऑलमोस्ट 2.5 साल हो चुका है। रिकमेंडेड मतलब आप सोचिए मैं तीन साल हो गया ऑलमोस्ट जब मैंने स्टील कन्वर्ट करा दिया था अपने, मतलब 6 मंथ्स का मैंने टारगेट लेके चला था एंड विद इन 6 मंथ आई लिटरली चेंज माय। तो मुझे बताइए कि कितने लोग हैं जिन लोगों ने अपनी जो चीज़ें हैं वो स्टील में कन्वर्ट कर दी है या इन प्रोसेस में है, कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दूसरा हम लोगों ने मंगवाया है, दिस इज़ अ क्या नाम है इसका, TDS मीटर। सो दिस इज़ अ TDS मीटर, सो दिस इज़ अ TDS मीटर, ये पानी की प्योरिटी टेस्ट करता है, मतलब वी आर अबाउट टू चेंज आर जो वाटर फिल्टर है वो हम चेंज करने वाले हैं, उसका रीज़न भी मैं आपको सब डिटेल बताऊंगी और जो भी हम जिस तरह से क्या सोच के हम ले रहे हैं वो सब हम शेयर करेंगे।
तो बस यही है, इसको मैं रख देती हूँ फटाक से। पहले तो विक्की को बता देती हूँ क्योंकि मेजरली तो वही कुक करेगा, बट जब तक वो कुक नहीं करेगा इसमें मैं कुछ अपना वेज तो बना ही लूँगी और उसके बाद फिर ये उसको दे दूँगी। इसमें फिर मैं कुकिंग नहीं करूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट इसमें मैं कुकिंग नहीं करूँगी, ये विक्की के लिए है, जिसकी जगह भी बिल्कुल अलग हो जाएगी। तो यस, ओके गाइज, सो आई एम जस्ट सिटिंग हेयर, मैं यहीं पर बैठी हुई हूँ। ये हमारी मॉस्किटो नेट लग गई है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो इस तरह से हमारा पूरा जो मॉस्किटो नेट है ना वो लग जाता है। दो तीन कोविड केसेस आर राइजिंग एट सम एक्सट्रीम लेवल, दो तीन हमको ऐसे केसेस सुनने में आए हमारी पहचान वालों के, जो बहुत ही ऐसे दिल दहला देने वाला था। बहुत एकदम ऐसे नेगेटिव एक घंटे से मैं कुछ अजीब उठपटांग सोचे जा रही हूँ। तो मैंने सोचा अभी मैं अपनी फ्रेंड्स को फ़ोन लगाऊंगी। तो यस, आज का जो वीडियो है वो इसी नोट पर ख़त्म करते हैं। एंड सेफ रहिए, खुश रहिए, अपने घर के अंदर रहिए, और अपन मिलते हैं, मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय, गुड नाइट। Take me away, I want you for-